सर बहुत प्रेशर है मेरे मेरे काम में, और सर वर्कआउट करने भी नहीं मिलता है टाइम, सर मेरे को फिटनेस इंडस्ट्री में आना है। तुमको क्या लगता है, तुम पहला फिटनेस इंडस्ट्री में आएगा तो पहले दिन को हम मसाल देगा तुमको, और कभी कभी मेरी सूरत बराबर से नहीं बनाते हैं तो भी प्यार से बनाते हैं तो मेरे को लखना पड़ता है, बिकॉज दे आस्क फॉर इट। आपने लगाया सो देयर हैव दिस इज वन अटेम्प्ट। गाइस इससे पहले मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, आई हैव वेरी बैड न्यूज़। और फिटनेस इंडस्ट्री के आयरन मैन, जिनको पूरी फिटनेस इंडस्ट्री इतनी रिस्पेक्ट करती थी, बॉडी बिल्डर थे, K11 फिटनेस एकेडमी के डायरेक्टर थे, फाउंडर थे, उनका अचानक से निधन हो गया। ही इज़ नो मोर विद अस। और आई थिंक एवरीबडी, जितने भी फिटनेस इंडस्ट्री में लोग हैं, सारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आर एक्सट्रीमली शॉक्ड। ये मुझे सुबह पता लगा एंड आई कुडंट बिलीव इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने कंफर्म करा एंड पता लगा कि हाँ, उनकी डेथ हुई है। आई थिंक उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, पर इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट। उनकी एज भी करीब 50 के करीब है एंड दिस इज़ रियली शॉकिंग। मतलब बहुत कम हैं एजुकेटेड लोग फिटनेस इंडस्ट्री में, ऐसे एजुकेटेड जिनको नॉलेज है फिटनेस की, स्पेशली इंडिया में। आपको पता है कि बिना नॉलेज के तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, और ये तो इतने नॉलेजेबल थे व्हेन इट कम्स टू फिटनेस ट्रेनिंग, मोटिवेशन। और आई थिंक जितने भी इंडिया के टॉप एथलीट्स हैं, कहीं ना कहीं इनसे रिमोटली जुड़े हुए थे, ट्रेनिंग हो कुछ हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस तरीके से मैं केजार सर को देखता हूँ, इन्होंने एक ट्रेंड चलाया था, वो ट्रेंड मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा बिकॉज अब काफ़ी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेलिब्रिटीज़। ये बहुत कम लोगों में से थे, मेरे ख्याल से इनिशियली थे जो ट्रेनर्स को, जिन्होंने सेलिब्रिटीज़ एक्टर्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने एक दरवाज़ा खोला और उसके बाद से सब, यू नो, एवरीबडी फॉलोड द सूट। एंड आई रिमेंबर इनका एक इंटरव्यू में इन्होंने बहुत फेमस कोट करा था कि डोंट एस्पायर टू बी अ ट्रेनर ऑफ अ सेलिब्रिटी, यू बिकम अ सेलिब्रिटी। और वो बात इट्स सो ट्रू कि यार क्या होता है ना कि पीपल जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि किसी सेलिब्रिटी को ट्रेन करना है, किसी सेलिब्रिटी के साथ जुड़ना। लेकिन केजार सर का मानना था कि आप इतने अच्छे हो, ट्रेनर बन जाओ कि आप अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन जाओ। और एंड आई थिंक इट्स सो ट्रू। और अब मैं देखता हूँ, आई थिंक वही ट्रेंड अब इमर्ज होता हुआ आ रहा है। एंड ही हिमसेल्फ वाज अ बॉडी बिल्डर इन द 90s। आप उनकी फोटोग्राफ्स देखिए एंड यू नो इट्स अनबिलीवेबल हाउ अमेजिंग, और क्या वेल शेप उनकी बॉडी हुआ करती थी। एंड यू नो एन अमेजिंग, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे कभी पर्सनल लेवल पे मिला नहीं, मगर आज मुझे पता लगा जब मैंने अपना इंस्टाग्राम फीड देखा कि आई थिंक एवरी फोटोग्राफ वॉज ऑफ केजार सर विद समबडी और द अदर। और पता लगा कि उन्होंने कितने लोगों के करियर बनाए हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, कितने लोगों के। एंड यू नो इट्स हैट्स ऑफ यार, आई थिंक हिज लेगेसी लिव्स ऑन। मतलब आई कांट इवन काउंट, इतने पोस्ट, इतने रीपोस्ट, इतने फीड्स, बस। एंड आई वाज लाइक आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ फिटनेस एजुकेशन। सो इट्स अ ग्रेट लॉस, रियली अ ग्रेट लॉस, बट माय हार्ट गोज आउट टू हिज फैमिली, डीप कंडोलेंसेस। बट गाइस ये न्यूज़ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी बिकॉज आई डोंट नो, अगर कई लोग ये देख रहे हैं वो शायद ये जानते भी होंगे केजार सर को, बट विद दिस वीडियो आई थिंक यू मस्ट नो। और वो टाइगर श्रॉफ के ट्रेनर, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन सब के ट्रेनर थे। एंड टाइगर श्रॉफ एक्चुअली पोस्टेड मॉर्निंग दैट यू नो रेस्ट इन पावर केजार सर। मतलब ही वॉज अ मेंटोर एंड अ ट्रेनर टू लॉट मैनी एक्टर्स, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स, कईयों के। नॉलेज इतनी थी ना यार, आपको पता है वो गुरु तो फिर गुरु ही होता। सो ये लॉस पूरा नहीं हो सकता, बट अगेन आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू। बट
that's the way life is, I guess, guys. But अब ये बोलूँगा, life is too uncertain यार. बस जो भी लाइफ में करना है ना, बस कर डालो. दोबारा मत सोचो कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बस कर डालो यार. मैं भी शायद यही कर रहा हूँ कि 40 साल की उम्र में आई एम ट्राइंग टू कम्पीट, क्या पता कल हो ना हो, बट कर डालो यार. नाउ एंजॉय द व्लॉग यार. तो गाइस आज है बहुत बड़ी न्यूज़ मेरे पास, बिकॉज ये ज़रूरी है जो हम करने जा रहे हैं, और बहुत ही जिसे कहते हैं इसका फ़ायदा भी होगा. और जो लोग मुंबई में नहीं रहते, दिल्ली आसपास में रहते हैं, दे विल ऑल्सो गेट टू सी इट, बिकॉज मैं करने वाला हूँ गेस्ट पोजिंग बहुत ही जल्दी. अभी डेट अनाउंस कर रहा हूँ और अभी वेन्यू भी अनाउंस कर रहा हूँ कहाँ पे, और वो भी एक बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप है, अभी बता रहा हूँ. तो कैसे मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा गेस्ट पोजिंग का, जो होने वाली है 13 नवंबर को, बहुत ही जल्दी, ऑलमोस्ट एक महीना ही रह गया है, और वो होगी चंडीगढ़ में, बिकॉज वहाँ हो रहा है NPC की नॉर्थ इंडिया चैम्पियनशिप, और वहाँ हम करने वाले हैं गेस्ट पोजिंग. और इसे कहते हैं ना, और दिसंबर में ही शेरू क्लासिक है, तो करीब 20 दिन पहले हम ये करेंगे एक्सपीरियंस, और इसे कहते हैं ना बहुत ही मज़ा आने वाला है. हम वेरी एक्साइटेड कि बिकॉज स्टेज पे तो मैं जाता था इंटरव्यू करता था, लेकिन अब स्टेज पे जाऊँगा गेस्ट पोजिंग होगी, मेंस फिजिक पोजिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ पोजेस वो भी देखने को मिलेगा आपको, उसकी भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम. बट दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग, और उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताएंगे हमारे नूर भाई. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके. तो आज कर रहे हैं हम अपने लेग्स को ट्रेन, और उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, अच्छी है, जो भाई ने आपको बता भी दिया. सो गेस व्हाट भाई, गाइज हम आ रहे हैं 13 नवंबर चंडीगढ़ NPC नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप में, और भाई कर रहे हैं वहाँ पे गैस पोजिंग. कितने एक्साइटेड हो गए, वो दिन देखो बहुत मज़ेदार है, आना ज़रूर गैस पोजिंग देखने भाई की. यस, तो भाई करने वाले हैं गैस पोजिंग, और भाई नहीं करना चाहते थे, रियलिटी तो बात ही है, बट मैंने बोला कि करो, करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है. रियलिटी है आप एक एथलीट बने हैं, जो बन चुके हैं उन तक को नहीं मिल रही है. आपके अंदर जो लोगों ने देखा है वो खुद लाइव देखना चाहते हैं, आप लोगों का प्यार है कि आप इतने बड़े स्टेज पे, NPC का स्टेज है, कोई भी छोटा स्टेज तो है नहीं, और नॉर्थ इंडिया है. नॉर्थ इंडिया का मतलब होता है कि 9 अदर स्टेज, अलग अलग स्टेज आती हैं एक ही जगह पर, और पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह के चैम्पियंस खेलते हैं आगे, उन चैम्पियंस के बीच में जाके आप अपने आप को परफॉर्म करोगे, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका खुद का इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि मतलब आपको लगेगा, क्योंकि अभी तक हम एक सर्कल में, जिम में, वहाँ पे हम कर रहे हैं अकेले अकेले, हम अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हैं अकेले ही, हम अपनी तारीफ भी कर रहे हैं अकेले ही, हम सब कुछ कर रहे हैं. अब रियलिटी है, जो मैंने भी क्रिएट किया है, जो मैंने भी मेहनत की है, जो आपने भी की है, हम दोनों ने जो मिल के मेहनत करी है, अब वो स्टेज पर जाए और स्टेज पे जाके बताए कि मैंने क्या मेहनत की है, और ये भी बताए साथ साथ कि मैंने भाई को क्या सिखाया है. क्या फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, इतना ज़बरदस्त मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि जो चीज़ मतलब एक छोटे सी जगह, एक वहाँ पे था जो मतलब एक लगा लो जैसे एक चीज़ का बड़े दिनों से इंतज़ार हो रहा था. मैं तो बहुत मतलब बेचैन एक हो जाती ना हालत कि इंसान की, भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा, मतलब वही वाली चीज़ है, फौजी वाली बात कि लड़ाई होगी कब, तैयार तो बैठे हम काफ़ी दिन हो गए. तो रियलिटी है, अब देखना, अभी तक आपने देखा है बॉडी बिल्डिंग वेरिएशंस, वर्कआउट, डाइट, डिसिप्लिन, ये सब सिखाया, दिखाया, बताया आपको. अब ये देखो कि एक अनाड़ी खिलाड़ी के बीच में क्या खिलाड़ीपन दिखा रहा है. सबसे अहम बात, जो बात एक बात बहुत हो रही थी भाई, याद होगा आपको, शुरू से ही था मेच्योरिटी अनमेच्योरिटी, तो मैंने बोला था पहले भी, और भाई को तो मैंने 10 बार बोला है कि मेच्योर बना के ही लेके जाएंगे आपको. तो थैंक्स फॉर ये नॉर्थ इंडिया जो कंपटीशन करा रहे हैं NPC के, उनको भी कि अब मेच्योर बन के ही जाएंगे स्टेज पे, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा
कि मुझे नीचे खड़े होकर बोलना पड़े ये क्या हो रहा है, या आप जब नीचे उतरो तो मुझे बोलना पड़ा आपने ये ठीक नहीं किया। अब परफेक्ट होगा, डर शर्म सब कुछ सारा एक्सपीरियंस ऊपर वाला अपने साथ है। देखो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी ज़बरदस्त मिली है, और आप लोग भी देखो जिनको लगता है अनमेच्योर और जिनको बहुत सारी चीज़ों की गलत फहमी है, आना ज़रूर भाई, और सभी लोग आना देखना ज़रूर, लाइव देखो मिस्टर तरुण गिल को परफॉर्मेंस करते हुए, और परफॉर्मेंस भी कोई छोटी मोटी नहीं होगी, उसको भी हम ही तैयार करेंगे, देख लेना। 1, 2, 3, 4 दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, ये NPC की जो है ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगा कि एक ड्राई रन भी ज़रूरी है कि सीधा आप स्टेज पे नहीं खड़े हो सकते, दो हमारे के अंदर वो कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक ड्रेस रिहर्सल काइंड ऑफ अ थिंग, प्लस NPC का स्टेज इतना बड़ा है, और आई वांट टू थैंक अतिंदर पाजी, डॉक्टर अंकुर अस्थिर, इतने लोग जो NPC के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैंने डिस्कशन करी, मैंने बोला कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, और आपको पता है TG Talks मीडिया तो पार्टनर है ही NPC का। आप देखिए हाउ थिंग्स चेंज, आज से 6 महीने पहले जब NPC की चैम्पियनशिप हो रही थी, हमारे जगह जा रहे थे, मैं सभी एथलीट्स को इंटरव्यू कर रहा था, और अभी उन्हीं एथलीट के बीच में गेस्ट पोजिंग करूँगा। गाइस सो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, बस आप करने, हाँ भाई उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम तो अलग था, अब तो एथलीट के बीच में एक और एथलीट गाइस। सो मैं चाहता हूँ आप आइए चंडीगढ़ में, आई वांट टू थैंक अतिंदर पाजी जो ये करा रहे हैं, बोल्ड नेशन है इनका इंस्टाग्राम पेज, जितने भी अपडेट्स होंगे आपको वहाँ मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ सुपर एक्साइटिंग। इसे कहते हैं ना कि हमने अभी अपनी रूटीन तैयार करनी है कि क्या पोजेज होंगे, क्या होगा, और लेट मी टेल यू, मेरे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर है, नूर भाई के दिमाग में भी, कि आग लगानी है। और कैसे गेस्ट पोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ मेंस फिजिक के ही पोजेज देंगे, गेस्ट पोजिंग का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, जो लोग देखने आए हैं। कि इनको ये भी बताना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक एथलीट भी हूँ और इनका ट्रेनर भी हूँ, और मैं बहुत रिकॉर्ड भी करता हूँ, तो मुझे हर चीज़ भाई को समझानी पड़ती है। तो ये भी बताऊँगा कि ये जो है ना, जब एक होता है जब कंपटीशन में किसी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाता है, वो कुर्सी पे बैठ जाता है आके, वो सम्मानित लोग होते हैं, एक गेस्ट भी आते हैं, पब्लिक भी आती है, बस जब किसी एथलीट को बुलाया जाता है, इस बार उन्होंने TG Talk को तो नहीं बुलाया, ठीक है ना भाई, कि भाई आप आइए ये करिए कवर करिए, अब ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बुलाया एक एथलीट को एज अ गेस्ट पोजर। तो गेस्ट पोजर जो होता है ना, वो बहुत सोच समझ के बुलाया जाता है, उनको बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जब पोज करे ना, अपनी तैयारी वैसी इनको वही कराने की, कि वो जो पोज करे तो जो पब्लिक बैठी है उसको फुल एंटरटेन फुल, और मतलब कि उस वो होना भी ऐसे चाहिए, अलग ही दिखना चाहिए उसके लोग उसके ये। तो गेस्ट पोजिंग के लिए भी हम लोग भी गए एक दो बार, काफ़ी बार ये हुआ है कि मैं भी गेस्ट पोजिंग, तो हम उसकी भी तैयारी करके ही जाते हैं, तो ये अब भी तैयारी करके जाने वाले हैं। तो जितने भी लोग आप ज़्यादा लोग आके देखेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि गेस्ट, और ये भी बताएंगे कि गेस्ट पोजिंग कैसे होती है, और गेस्ट पोजिंग के लिए जाया कैसे जाता है, वहाँ प्रेजेंटेशन कैसी होती है, हर एक चीज़। तो ये भाई की ज़िंदगी में आगे बहुत बार होगा इंशाल्लाह कि गेस्ट पोजिंग के लिए ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, नीचे से बैठो थोड़ा सा और नीचे, हाँ ये परफेक्ट, चलो चलो शाबाश, 6 नॉन स्टॉप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुड, 1, 2, 3 थोड़ा 6 नीचे तक जाओ थोड़ा, 7 शाबाश शाबाश, 8, 9 3 और करने रखना मत 3 से पहले, कम ऑन, ये ओके। तो भाई आप जाओगे अब गेस्ट पोजिंग पे, तो तैयारी करो, उसकी भी तैयारी करो, क्योंकि इंसान फर्स्ट टाइम है आपका, तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि हर इंसान बेस्ट करता है, और आपको तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। मैंने तो अभी तक NPC पे कोई गेस्ट पोजर देखा नहीं है, तो मेरे ख्याल से NPC की स्टेज के पहले गेस्ट पोजर आप ही बनोगे, ये भी एक हिस्ट्री बन जाएगा, बट अच्छी बात है, तो अपॉर्चुनिटी को उसी तरह लेना चाहिए, आप भी फुल तैयारी से जाओ वहाँ, और भी इतने, क्योंकि NPC का स्टेज ऐसा है कि वहाँ पे कोई
ऐसे छोटे मोटे एथलीट तो खेलते नहीं हैं, बेस्ट खेलते हैं, नो स्टेट खेलेंगे इधर उधर आगे, अच्छे लड़के खेलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई गेस्ट ऑफ, मैं बताता हूँ कि गेस्ट क्या होता है कि गेस्ट ऑफ ऑनर कोई आता है गेस्ट पोजिंग करने एज अ एथलीट, मैं पीछे खड़ा हूँ तो मैं भी उसको देखता हूँ यार ये इतना खास तो नहीं है यार, क्या एंटरटेन कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं ही, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए उन प्लेयर्स को भी, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी तो आपकी है ज़बरदस्त, वहाँ जो पोजिंग करोगे उस पूरे स्टेज को कवर करना है क्योंकि बहुत पब्लिक आने वाली है आपको देखने के, ये 100% बहुत पब्लिक आएगी आपको देखने आएगी, मेरे को भी देखने आएगी, मैं भी आऊँगा भाई पक्की बात है, तो मुझे वहाँ पे से ही ध्यान रखना, वहाँ पे मत सुनना मेरे से कुछ भी नीचे उतर के क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टेज पे गलती की कोई माफ़ी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, आप ऐसे ही जाओ वहाँ पे जैसे एथलीट ही बुलाया है आपको, तो आप यहाँ से जाओ भी एथलीट की तरह और वहाँ परफॉर्मेंस भी एथलीट की तरह करो, क्योंकि ये परफॉर्मेंस आपको डिसाइड करेगी कि आप पोजिंग में कितने बेहतर हो, ठीक है। कैमरे पे तो बहुत कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, मुझे भी बहुत सेटिस्फाई कर लिया, आप पब्लिक को फेस करो स्टेज से और उनको एंटरटेनमेंट भी करना है और दूसरा आपको अपने आप को भी करना है, मुझे भी सेटिस्फाई करना है, अब आपके ऊपर आ गई जिम्मेवारियाँ चार। पहला, जिन्होंने जिस उम्मीद से बुलाया है उनकी उम्मीद पे खड़े उतरो भाई, उतना अच्छा एंटरटेन करो। दूसरा, मैं भी वहीं खड़ा हूँ, मुझे भी सेटिस्फाई करो। तीसरा, अपने आप से सारे सवालों के जवाब ले लो वहीं स्टेज पर। तो भाई रेडी हैं अपने गेस्ट पोजिंग के लिए, भाई को इन्वाइट किया नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप NPC की, नो स्टेट ये खेलेंगे वहाँ पे भाई, तो बहुत एक्साइटेड है हम दोनों ही, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि भाई जिस इंसान ने कभी कोई स्टेज पे गया नहीं आज वो एक एज अ एथलीट, और बहुत जल्दी ये टाइम आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये स्टेज चाहिए था भाई को, ये बॉडी, ये हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे खूब, बट स्टेज नहीं मिल रहा था, अब भाई टाइम आ गया, रेडी हो ना, तो पढ़ करके दिखाओ थोड़ा बहुत ज़रा ज़बरदस्त तरीके से, तो आप लोग भी आना ज़रूर और देखना भाई का जोश और भाई की बॉडी और कॉन्फिडेंस लेवल देखने का है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे भी।